नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दिन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ज्ञान भवन राजधानी पटना में छठा इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं विभिन्न जरूरी वस्तुओं पर। और यहाँ एक नमामि गंगा की ओर से भी एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि गंगा को हम कैसे स्वच्छ रखें। नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह जी। नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, स्वच्छ गंगा अभियान का प्रोजेक्ट है। गंगा को, गंगा हमारे माता, इसके लिए क्लीनिंग के लिए साधारण सुथरा रखने के लिए हम लोग अलग अलग जगह जा करके प्रोजेक्ट भी चल रहा है स्वच्छ गंगा अभियान का, इसके हम लोग पर काम कर रहे हैं। आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है, गंगा हमारे माता, इसके लिए स्वच्छ घर घर भी रखते हैं, स्वच्छ साफ सुथरा रखते हैं, वैसा भी गंगा को भी क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि गंगा अभी बहुत प्रदूषित हो गई, इसीलिए हम स्वच्छ गंगा अभियान का प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे पर। और नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है, उस कारण से जो है अब राजधानी पटना में भी गंगा जो है स्वच्छ है, और उसमें लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। जो धार्मिक कचरा, मतलब पूजा पाठ का जो पूजन सामग्री होता है, बेकार का जो कचरा होता है, उसे भी लोग अब गंगा में नहीं फेंकते हैं। उन्हें भी जो पर्यावरण कानून है उसका भी डर है, और लोग चाहते हैं कि गंगा शुद्ध रहे, गंगा अविरल बहती रहे। अभी अच्छा है, अभी पटना का भी देख रहे हैं गंगा स्वच्छ, मतलब अभी तो पहले से बहुत तो अच्छा ही है, पहले से अच्छा। लेकिन घाट के किनारे से गंगा थोड़ा सा दूर चली गई है, और गंगा जल तो पूजा के लिए भी नहीं मिल पाता है राजधानी, लेकिन है कि गंगा में अब कचरा लोग नहीं फेंकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने मिशन में कामयाब हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत दिन पटना बिहार। नमस्कार।